Okay, you're fine, you're fine. But yeah, you calm down, baby. Calm down. Just calm down, baby. Yeah, we're not the one about एक इमरजेंसी इंडियन डिप्लोमेट का बेटा किडनैप हो गया है। मैं चाहता हूँ तुम दोनों चार्ज ले लो। Shit!
निकल चुका है। सही वक्त पर कर्नल नहीं आते तो वो बच्चे को भी मार देते। कर्नल बच्चे को अपने घर ले गए। अगर उस दिन कर्नल ने सिर्फ अपनी नौकरी का सोचा होता
तो आज मैं जिंदा नहीं होता। अगर वो मुझे सहारा नहीं देते तो मैं इस पोजीशन पर नहीं होता। करीब से देखा है प्रिया, तुम्हें इसका एहसास नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ ये कभी नहीं रुकेगा। अगर हमें ये सब रोकना है तो अंडरवर्ल्ड को फिनिश करना होगा। विक्रम,
मैं प्रिया के बारे में बात करने नहीं आया, मुझे ऊटी से फोन आया था। अनु, 20 साल बाद तुमने बात की उससे? हेलो हेलो विक्की, विक्की अनु, या बोलो, मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे? फिर क्या सोचा था? ने इतना घटिया गोला बारूद दिया था जिस वजह से हमारे कई जवान शहीद हो गए। उनके सीने में दिल नहीं है, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। पापा, आप सीरा नायर कंपनी की बात कर रहे हैं, अशोक नायर कंपनी का उनसे कोई ताल्लुक नहीं। अनु, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अशोक पहले से ही शादीशुदा है, उम्र में वो तुमसे 13 साल बड़ा है। उसकी बीवी मर चुकी है डैड, उसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया। अगर वो मुझसे 13 साल बड़ा भी है तो क्या हुआ, वो मुझसे प्यार करता है। अनु, तुम्हें डैड की बात सुन। विकी, ये मेरे और डैड के बीच की बात है, स्टे आउट ऑफ दिस। अनु, अपनी जबान पर लगाम दो। अगर तुम्हें अशोक से ही शादी करनी है तो इस घर में कभी कदम मत रखना। ठीक है, मैं अशोक से ही शादी करूंगी और जीते जी यहाँ वापस नहीं आऊंगी। You have reached Nair Estate. Please leave your message. Anu, this is Vikram here. पापा बहुत सीरियस है, वो मिलना चाहते हैं। विक्रम, 10 साल हो गए उनको देखे हुए, मुझे उसकी फिक्र सतानी है। वो ठीक है पापा, तुम्हें फोन किया था, मुझे पता है वो नहीं करेगी। वो भी बचपन से ही मेरी तरह जिद्दी है, पर एक भाई होने के नाते उससे वादा करो बेटा कि तुम उसका अच्छी तरह ख्याल रखोगे। मैं वादा करता हूँ। पापा, पापा,
साल बाद भी तुम मुझे याद हो क्या यही पूछोगे कि मुझे तुम्हारी जरूरत थी इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया क्या तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे पापा की बात का बुरा मान के तुमने 20 साल उनसे बात नहीं की क्या हुआ एक हफ्ते पहले लेडीज एंड जेंटलमैन आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया मॉलिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टैंडर्ड आज दुनिया में सबसे ऊंचा है इसने एक बेंचमार्क कायम किया है मॉल्डीव्स गवर्नमेंट अपने इतने प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट पर नायर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन ग्रुप के साथ कोलैबोरेट कर रही है ये हमारे लिए एक गर्व की बात है तुम और तुम्हारी बेटी जिंदा रहना चाहते हो तो सब कुछ छोड़कर निकल जाओ मुझे पहले भी इस तरह की धमकियां मिली है लेकिन कुछ दिन पहले मेरे ख्याल से करीब 12:30 बजे होंगे रामू काका तो पीछे वाले गेट पर जाओ और तुम उस तरफ चेक करो सिक्योरिटी यस मैम क्या हुआ कोई दीवार से कूद कर अंदर आया है उसे ढूंढ रहे हैं अब अंदर रहिए बाहर मत आइए और अपना दरवाजा बंद रखिएगा बहादुर बहादुर छोड़कर भाग जाओ नहीं तो ये गोली जो टेबल पर मिली थी तुम्हारी बेटी की खोपड़ी में मिलेगी इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद कोई घर में घुस गया उसके कमरे में ये बुलेट छोड़ गया और वो बुलेट देखकर मेरी रूह कांप गई मैंने फौरन पुलिस कमिश्नर को इन्फॉर्म किया उन्होंने 2 दिन में उसे पकड़ लिया बाहर आने के बाद ये अपना मुंह नहीं खोल रहा है और वो कोई और नहीं हमारा सिक्योरिटी हेड विजय ही था आप फिक्र मत कीजिए कल सुबह तक हम इस बात का पता लगा लेंगे कि ये सब के पीछे किसका हाथ है मैडम लेकिन अगली सुबह किसी ने उसकी जान ली मैं अपनी सिक्योरिटी पर भरोसा नहीं कर सकती ना ही पुलिस वालों पर मैं भरोसा करूं तो किस पर विक्रम तुम्हारे अलावा मैंने तुम्हें जरूरत के वक्त अनु वी आर फैमिली अदिति और तुम मेरी जिम्मेदारी I'm sorry, Vikram. मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया वो सब भूल जाओ तुम्हें किसी पे शक है कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सी कंट्री में अदिति ये है विक्रम विक्रम तुम्हारे तुम्हारा पर्सनल सिक्योरिटी कौन क्या सिक्योरिटी किस लिए अदिति ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए समझो सेफ्टी वेफ्टी सब झूठ है मैं जानती हूँ इसे जासूसी के लिए बुलाया मैंने तुम्हारी परमिशन नहीं मांगी मेरा फैसला है फाइनल आप कल ही आई आते ही मुझे हॉस्टल से निकाल दिया अब इसके भरोसे छोड़कर जा रही अदिति खुद तो दुनिया घूम रही हो और मुझे यहाँ कैद करके रखा है मैंने हॉस्टल से वापस नहीं बुलाया है तुम्हें उन्होंने तुम्हें वापस भेजा है तुम्हारे नखरों की वजह से व्हाटएवर कभी वक्त पे स्कूल नहीं जाती टीचर्स को धमकाती हो होमवर्क नहीं करती हो अपने साथ अपने दोस्तों को भी बिगाड़ रही हो तुम्हारी प्रिंसिपल 2 दिन के लिए क्या गई तुमने स्कूल को क्लब बना दिया लड़कों के साथ पार्टी शराब और सिगरेट कहाँ से सीखा ये सब कुछ मॉमी मेरी जिंदगी है और तुम मेरी बेटी हो पहले अच्छी माँ बनी जबान संभाल के अदिति यही सब करके पंकज ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली और तुम भी उसी राह पर हो मुझे क्या करना है वो मैं जानती सो चिल नो कुछ नहीं जानती जब जिंदगी हाथ से छूटने लगती है और मौत करीब होती है और हम जीना चाहते हैं तब समझ आएगी तुम्हें कि मेरी माँ सही थी तो ये है तुम्हारी भांजी तुम पर गई है फायर है फायर अनु हाँ एस्टेट में कुछ चेंजेस करने पड़े तुम्हें जैसा ठीक लगे तो वैसा करो Thank you.
साहब का कमरा है, ये वाला अदिति का कमरा है। अच्छू मैम साहब यहाँ कभी कभी आती है, आज मुझे सफाई में ज्यादा वक्त लग गया। मुझे कुछ ऐसे आदमी चाहिए प्रिया जो भरोसेमंद हो। साजिद? या साजिद ठीक है। साजिद रिपोर्टिंग सर। गुड टू हैव यू साजिद। उन्होंने दूसरी शादी की साहब, जब दूसरी पत्नी ने झगड़े शुरू कर दिए तो उन्होंने सीरा नायर नाम से एक नई कंपनी खोल ली, और जब अचानक उनका देहांत हो गया तो उसने जायदाद में हिस्सा लेने के लिए उनकी पहली पत्नी को कोर्ट में घसीटा। कोर्ट में केस चल ही रहा था कि उनकी पहली पत्नी चल बसी। 6 महीने बाद अशोक साहब के पिता भी एक हादसे में गुजर गए। हर किसी का मानना था कि ये कत्ल हुआ है और सबके पीछे सीरा नायर कंपनी का हाथ है।
लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। बाद में अशोक सर रूस से लौटे तो वो बहुत बीमार हो गए। लोग कहते हैं इसके जिम्मेदार सिद्धांत साहब हैं, लेकिन इसका भी कोई सबूत नहीं मिला। सिद्धांत कौन है? वो एक अनु अदिति कैसी है? बहुत बदमाश है। आई नो, मैंने तुम्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लिस्ट भेजी है, देखी तुमने? उन्हीं का बैकग्राउंड चेक कर रहा हूँ। ये सभी अच्छे लोग हैं विकी। तुम्हें सब अच्छे ही लगते हैं। उनमें से कितने वफादार है ये मैं देखता हूँ। 70% लोग हमारे फेवर में हैं, लेकिन बहुत से हैं जो सिर्फ मेजोरिटी देखते हैं। अनु, मैं बाद में फोन करता हूँ। सीनू, गाड़ी निकालो। कहाँ जा रही हो? क्लबिंग। आज मंडे है। और कल ट्यूसडे है। सवाल मत करो, गाड़ी निकालो। यस बेबी, मैं आ रही हूँ। सिद्धांत के बारे में कुछ बताया नहीं। आप सारी बातें खोद कर निकाल ही लेते हो साहब। जैसे इस परिवार में अदिति बिटिया है, वैसे ही दूसरे परिवार में सिद्धांत बाबा है। वो अदिति से 10 साल बड़ा है और सीरा नायर कंपनी का वारिस है। अशोक साहब के देहांत के बाद अनु मेम साहब ने सारा काम संभाल लिया। बहुत हौसले वाली है। परिवार का नाम बरकरार रखने के लिए वो रात दिन एक कर देती है। अगर पंकज साहब अपनी जिम्मेदारी समझते तो मेम साहब को इतनी परेशानी नहीं होती। गुड मॉर्निंग। ये क्या बकवास है? 6 AM, उठ जाओ। नो। क्या कर रहे हो? रुको, रुक जाओ। पागल हो क्या? रेडी हो जाओ। नहीं होंगी, क्या कर लोगे? 15 मिनट्स। गेट लॉस्ट। करने के काम आती है। अब खाओगी या इसका इस्तेमाल करो? तुम बस एक सिक्योरिटी गार्ड हो और तुम मुझे धमका रहे हो। अदिति, it's 7:30. Is it really you? नहीं मैम, मेरा भूत है। अदिति। गुड मॉर्निंग मैम। आप कौन? पर्सनल सिक्योरिटी। प्लेजर टू मीट यू मैम। नो नो नो, प्लेजर इज ऑल माइन। क्या उसने तुम्हें स्टन किया? मतलब उसने तुम्हें झटका दिया? कितना पीर है मैं वो। मैं ये घास फूस नहीं खा सकती, मुझे पिज्जा चाहिए। अब क्या है, मैं पिज्जा हट जा रही हूँ और एक बड़ा चीज पिज्जा खाऊंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। जा रही हो? पार्टी में। क्लब जाने की उम्र नहीं तुम्हारी, अंदर जा। मैं तो जाकर रोक सको तो रोक लो। क्या
क्या ढूंढ रहे हो? यही ना। देखो गोली मत चलाना, तुम पागल हो गए, देखो पागल हो गए। बस रुको, चुपचाप अपने रूम में जाओ, गो। जा रही हूँ। बिटिया बहुत डर गई है साहब। अनु मैम साहब अदिति को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में खड़ा कर कंपनी का चेयरमैन बनाना चाहती है, इसलिए सुधारना जरूरी है, उसे मिलिट्री ट्रेनिंग देना ही पड़ेगा। पंकज, ये जानकर क्या करेंगे साहब? अब तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन बताओ। पंकज साहब को शराब और जुए की आदत पड़ गई थी, इसी वजह से अनु मैम साहब ने पूरी कंपनी अपने हाथ में ले ली, पर उनका कोई दखल नहीं रखा। तो पंकज ने कुछ नहीं किया? हमारी कंपनी में आखिर चल क्या रहा है? मैं 15 दिन यहाँ नहीं थी और माले इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो अप्रूव था होल्ड पे चला गया। सिरा नायर ग्रुप ने हमसे 10 करोड़ कम का कोटेशन दिया है। हमारी इंटरनल इन्फॉर्मेशन बाहर कैसे गई? मुझे जवाब चाहिए मिस्टर राधाकृष्णन, शाम तक का वक्त है आपके पास। नाउ लीव। यस मैम। प्लीज इस पर ध्यान दीजिए। पंकज नायर आपसे मिलने आए हैं। भेजिए उन्हें। चेक होल्ड क्यों करवाए? मुझे हरीश ने बताया कि तुमने अपने सारे शेयर्स बेच दिए, क्या ये सच है? हाँ बेच, तो क्या हुआ? अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझसे लेते। अगर तुम कंपनी के शेयर्स बेचोगे तो कंपनी हमारे हाथ से निकल जाएगी। पंकज, हमारे हाथ से नहीं, तुम्हारे हाथ से। जब अशोक जिंदा था तब भी यही रोना था। अगर तुम मुझे उकसाओगे तो मैं सारे शेयर्स सीरा ग्रुप को बेच दूंगा। पंकज, तुम्हें होश भी है? तुम क्या बोल रहे हो? अच्छी तरह जानता हूँ, मैं समझता हूँ। कुत्ते को जैसे हड्डी डाली जाती है उसी तरह मेरे सामने पैसे फेंक कर तुम और तुम्हारी लाडली पूरी कंपनी हड़पना चाहते हो। तुमने जो मेरे साथ अन्याय किया है मैं कभी भूलूंगा। And you will pay for very soon. लाइफ में कभी रियल पार्टी नहीं की है। क्या है वो? ये भी तो पार्टी है। ये तो सिर्फ
सकती है, लेकिन असली पार्टी तुमने नहीं देखी। ये क्या बोल रहा? चलो 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 आ जाओ निकल जाओ। क्यों चाहता है ब्लैक मार्केट में बेचते, लेकिन इसे खत्म करने का है। उससे क्या फायदा होगा, बेचने पर भी नजर नहीं आएगी, तो नुकसान क्यों करना।
बॉस को तुरंत बताते हैं। उन्हें इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। बताना ही सही रहेगा। हर छोटी बात उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं इससे खुद ही निपट लूंगा। बच्चे किडनैप होते तकरीबन 200। अगर लड़का हो तो हाथ पैर तोड़कर सड़क पर फेंक देते हैं, अगर लड़की हो तो कोटे पर भेजते हैं। कोई तुम्हारी तरह खूबसूरत हो तो फॉरनर्स को बेच देते हैं। अगर मुझे आने में देर होती तो पता है क्या होता? तुम्हारी मम्मी की इतनी पहुंच होने की बात भी उन्हें पता नहीं चलता कि तुम कहां हो। तुम बहुत लकी हो। मुझे पता है तुम्हें अपनी मां से नफरत है, लेकिन तुम्हारे डैड की मौत के बाद कंपनी को, खानदान के नाम को और तुमको बचाने के लिए बहुत मेहनत की है। वो सिर्फ इस उम्मीद पर जिंदा है कि एक दिन तुम अपने डैड का नाम रोशन करो। मुझे पता है मैं तुम्हारे लिए पराया हूं, लेकिन इतना तो खरी सकता हूँ। आप पराए नहीं है, मैं जानती हूँ आप कौन है। कैसी हो बेटा?
घंटे में पहुंचाएंगे सर। ओके गुड, सब ठीक है? यस एवरीथिंग इज ऑलराइट सर। ओके आई विल सी यू सर। सब कुछ ठीक है, ईमानदारी, बॉडीगार्ड बनेगा। बहादुर, 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 छे अदिति, वेट।
कहाँ तिवारी? बस मैं पहुँच रही हूँ। मैम कुछ तो गड़बड़ है, हमें अंदर जाना चाहिए। क्या हुआ? घर में ब्लास्ट हुआ था। मतलब? समझ नहीं आ रहा, एक धमाके की आवाज आई और अब चारों तरफ बस धुआं दिखाई दे रहा है। हमें अंदर जाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, नहीं। तुम लोग जहां हो वहीं रुको। कोई एक्टिविटी नजर आ रही है? स्कॉर्पियन मैन दिखा क्या? नहीं मैम, हमने सिर्फ उसे अपने आदमी के साथ जाते हुए देखा, अभी कोई दिखाई नहीं दिया। एक मिनट, वहां कोई है। कहां? मैम अभी अभी दो गाड़ियां स्टेट से बाहर निकली है, मुझे लगता है दोनों स्कॉर्पियन की है और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, और मैम शायद वो किसी का इंतजार कर रहे हैं। गॉड डैम इट, मेरे पहुंचने तक वहीं रुको, कोई भी अंदर नहीं जाएगा और मुझे अपडेट देते रहना। ओके ओके मैम, श्योर। अर्जेंट है। नंबर बोलो। 994 की चेयरमैन अनुपमा नायर एक कार हादसे में मारी गई। उनकी गाड़ी कोयम्बतूर मुनी रोड की खाई में गिर जाने की वजह से उनकी मौत हो गई है। बॉडी बुरी तरह से जल चुकी है जिसकी वजह से पहचान पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। पुलिस का कहना है कि उनकी मौत घटना स्थल पर ही हो गई थी। ओटी से एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है कि गैस लीकेज के कारण नायर भयानक आग लग गई। कहा जाता है कि इस हादसे में अदिति नायर समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस और फायर ब्रिगेड घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं।
आदिति ये प्रिया है, प्रिया मेरी एक्स कॉलीग है। दुबई में हम एक साथ काम करते हैं। प्रिया तुम यहाँ कैसे? स्कॉर्पियो स्पेस गोवा ड्रग ह्यूमन ट्रैफिकिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये इसका मेन धंधा है। काफी अरसे से हम इसे ट्रैक कर रहे हैं और जब मुझे पता चला कि ये ऊटी में है तो मैंने अपनी टीम इसके पीछे लगाई। बट आई वाज लेट। आई एम सॉरी अबाउट अनु। एक औरत से माफी मांग लेने में क्या आदमियों की शान कट जाती है? सॉरी प्रिया। सॉरी मतलब मेरी लाइफ के जो 5 साल बर्बाद हुए वो वापस आ जाएंगे क्या? किसे चाहिए इसकी सॉरी? दिन नायर ग्रुप के लिए बहुत ही दुख भरा था। मैनेजमेंट और सारे एम्प्लॉयज अभी तक सदमे में हैं। लेकिन कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। कंपनी तो चलानी ही है और उसके लिए लीडर की जरूरत है। इसलिए आज से नायर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बागडोर पंकज नायर इंटरिम चेयरमैन को सौंपी जाती है और आज की ये खास मीटिंग उन्हें ऑफिशियली अपॉइंट करने के लिए रखी गई है। मुझे यकीन है कि इनकी काबिलियत कंपनी को बुलंदी तक ले जाएगी। बहुत ही अफसोस की बात है कि मैं ऐसे हालात में चल रहा हूं, लेकिन जरूरत आ पाकि मेरे दादाजी की बनाई कंपनी नायर ग्रुप पिछले 75 सालों से लाखों परिवारों को रोजी रोटी मुहैया करवा रही है और यह सिलसिला जारी रहेगा। भले ही हम पर जो मुसीबत आन पड़ी इसका असर कंपनी के एम्प्लॉय पर नहीं पड़ेगा। कंपनी का कामकाज किसी भी सूरत में नहीं रुकेगा, भले कितनी मुश्किल आए। मैं अपने दादाजी की इस कंपनी को आसमान की बुलंदियों पर ले जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। सर दोनों माँ बेटी एक ही समय अलग अलग हादसों में मारे गए, ये एक्सीडेंट है या मर्डर? नायर साहब इस वक्त किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे, हम डिटेल्स प्रेस नोट रिलीज करेंगे। इन्वेस्टर्स और शेयरहोल्डर्स के लिए कुछ ही दिनों में ये बहुत मीटिंग करनी जाएगी। अभी कोई और सवाल नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अदिति का मैसेज है, ये कैसे हो सकता?
अब रोज रोज नशा करोगे तो ऐसा ही होगा, तुम्हारा दिमाग खराब होगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद देखा। दिखाओ। फोन बंद पड़ गया है। अब ये अचानक तुम्हारा फोन कैसे बंद हो गया? हो गया। देखो, मैसेज अभी तो था। Believe me, Harish, मैंने खुद देखा था। कहाँ गया है? Oh God! पंकज, please, आज के दिन मेरी बात मान लो। कल का दिन हम दोनों के लिए बहुत ही खास है। पेपर्स रेडी है, तुम सबसे पहले उस स्पीच पर ध्यान दो जो मैंने तुम्हें दी है। जहाँ बताया है वहाँ साइन करो, बाकी की चीजें सिद्धांत संभाल लेगा, समझे? सिद्धांत बहुत दो सिद्धांत सिद्धांत सिद्धांत। पिछले 50 सालों से उसकी फैमिली और हमारी फैमिली कोर्ट में केस लड़ रही है। यू नो दैट वेरी वेल हरीश। अगर हमें एकदम से 51% शेयर सिद्धांत को बेचने पड़ गए तो मेरी फैमिली की प्रेस्टीज का क्या होगा? मेरी प्रेस्टीज का क्या होगा? चाहिए पैसा शराब शबाब जुआ और नशा करने के लिए, और उसे सिर्फ तुम्हारी कंपनी चाहिए। तुम्हें जो चाहिए वो उसके पास है, और अगर तुमने उसे वो नहीं दिया तो अन्नू और अदिति की जिस तरह से मौत हुई है, तुम समझ रहे हो ना? राइट, तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। मुझे तुम इतने बेवकूफ नहीं लगते कि इतना बड़ा खतरा मोल लोगे। शेयर ट्रांसफर पेपर्स पर सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साइन होने के बाद तुम साउथ ऑफ फ्रांस या स्विट्जरलैंड में जाकर सेटल हो सकते हो, लेकिन अब गहरी सोच में डूबकर अपना दिमाग मत खराब करो। घर जाओ और सो जाओ। गुड नाइट। अनु हमेशा बोलती थी, दौलत और शौहरत खुशियों से ज्यादा हमें दुश्मनी देती है। एक अच्छा पति, प्यारी बेटी और हैप्पी फैमिली, उसे इतना ही चाहिए था, पर किस्मत ने कुछ और ही सोचा था। अब आगे क्या करना है? उन पेपर्स पर बोर्ड मेंबर्स किसी भी हाल में साइन नहीं करना चाहिए। तुम्हें रोकोगे कैसे विक्रम? पंकज ने आज बहुत अच्छा फैसला किया है। मालिक हम हैं तो क्यों ना इसे ऑफिशियल कर दें? अगर पता चला कि अदिति जिंदा है तो शेयर ट्रांसफर पेपर्स पर कोई साइन नहीं करेगा। मेरी जान को खतरा है, मैं आपको बाद में कॉन्टैक्ट करूंगी। ये क्या है मिस्टर हरीश?
मेरा मतलब अदिति जिंदा है, ये बहुत अच्छी बात है मिस्टर हरीश। हाँ, ये वाकई बहुत खुशी की बात है। आप फौरन कमिश्नर से बात करें और अदिति को बचाएं। उन मुजरिमों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, मैं भी वही करने जा रहा था। हम इस मर्जर की बात तभी करेंगे जब ये पूरा मामला निपट जाएगा। प्लीज डोंट माइंड। या श्योर। हे, मुझे खुशी है वो जिंदा है। Exactly. मैं ये सिद्धांत, मुझे माफ कर दो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। मुझे धोखा देने की जरूरत की? मैं ऐसा क्यों करूंगा सिद्धांत? तुझे तुझे मैसेज क्यों भेजा? मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता। तो ये पता कि अब तक अदिति जिंदा क्यों है? और फिर भी एक ढंग का काम नहीं किया तुमने। धमकी का कोई असर नहीं हो रहा, उन्हें खत्म कर दो। ठीक है, ये काम भी निपटा दूंगा। इससे फर्क नहीं पड़ता तो ये कैसे करेगा? पर इससे पहले कि पंकज चेयरमैन पोस्ट से हट जाए, मुझे सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मर्जर पेपर्स पर साइन चाहिए। समझा? ये बहुत मुश्किल। मैं तेरी जान ले लूंगा। अगर ये मर्जर पेपर साइन नहीं हुए तो मैं उनकी लाशों से साइन करवाऊंगा। ओके ओके ओके, मैं कोशिश करता हूँ। मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दो सीधा। निकले तुम्हें पता होने के बावजूद वो जिंदा कैसे है? अरे पापा हैंडल कर रहे हैं, टेंशन मत लो। तुम देखोगे या तुम्हारे पापा देखेंगे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अदिति जहाँ कहीं भी हो उसे मार दो। हाँ हाँ, मार देंगे। चल फोन रख। आखिर वो चीज क्या है और हम उसे इतना डर क्यों रहे हैं? वो बस एक बॉडीगार्ड है। बार कहा है मैंने तुमसे, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक कर लिया कर। विक्रम, प्लीज डोंट डू एनीथिंग टू मी। तुम्हें नहीं पूछ रहा हूँ। मैं तुम्हें नहीं जाने के लिए कह रही हूँ।
मैंने मौत को करीब से देखा है प्रिया, तुम्हें इसका एहसास नहीं। अगर हमें ये सब रोकना है तो अंडरवर्ल्ड को फिनिश करना होगा। रेड वेलवेट क्लब में खून का जो सैलाब आया था वो वहीं नहीं थमा था। किडनैपर्स, मर्डरर्स, ब्लैकमेलर्स, गैंगस्टर्स, कोई भी उससे नहीं बच पाया। लग चुके थे,
खून की नदियां बह रही थी। दौलत, शोहरत, पॉलिटिकल कनेक्शंस, कोई भी इस खून के सैलाब को रोक नहीं सका। पूरा अंडरवर्ल्ड एक हो गया, लेकिन लाशें बिछना फिर भी बंद नहीं हुई। तब जाकर एक बात समझ में आई, इसे खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता था, रहम की भीख मांगना। पूरे अंडरवर्ल्ड ने उसके आगे हथियार डाल दिए। के खिलाफ जाता है वो अगली सुबह नहीं देखता, उसका मरना तय है। मैं यहां सब संभाल लूंगा, तुम निकलो। साधु, वो नहीं जानता ये किसने किया है। अगर मेरा अंदाजा सही हुआ तो उसका पहला शिकार सिद्धांत होगा। जाओ, अपने सारे आदमियों को लेकर जाओ, वो जहां कहीं भी हो उसे खत्म कर देना। हो जाएगा। आर्टिकल 62 फ्रॉम द कंपनीज एक्ट 2013 में साफ लिखा है कि सिर्फ बोर्ड मेंबर्स की मंजूरी से कोई भी दो कंपनी एक नहीं हो सकती, लेकिन कंपनीज एक्ट 1956 के मुताबिक 1956 कंपनीज एक्ट कंबाइनिंग विद सेक्शन 4 मुझे पता है। और बताओ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे डिस्टर्ब मत करो। बाय द वे, तुम आज के मेरे सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। सर, कोई अदिति है, आपसे मिलने की जिद कर रही है। कौन? अदिति, अदिति नायर। तुम्हें पूरा यकीन है? यस सर, आपके पास ही आ रही है। और सर उसके साथ। ओके गाइस, हम सब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, वो भी जरूरी है ना? मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? काम छोड़ो और निकलो यहाँ से। थैंक यू, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। या थैंक यू, चलिए निकलिए, बाद में मिलते हैं, चलिए।
मैं उसे क्या बोलूं? अरे अदिति, मुझे बहुत अफसोस है, मेरी बच्ची बहुत दर्दनाक। हाँ जल्दी सोच, कोर्ट में क्या है? जब मुझे पता चला कि तुम जिंदा हो तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नहीं ओ अदिति, अदिति कैसी हो मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? तुम कौन हो? तुम विक्रम? विक्रम लाला से पूछो, वो बताएगा। लाला कौन? लाला देखा, इसे वायरस छोड़ने के लिए कहा था, 5 साल पहले इसने मुझे छोड़ दिया। प्रिया। हाँ क्या? क्या है? हाँ ठीक है ठीक है, इस मैटर को हम आपके सामने बैठकर बाद में सॉल्व करेंगे। ये कहाँ है? मैं इसे नहीं जानता। मुझे सच में नहीं पता। अफो, यहाँ तो काफी टाइम लगने वाला है। अदिति चलो तुम भी आगे बैठ जाओ, पहले नाखून निकलेंगे फिर उसके बाद उंगलियां कटेंगी एक एक करके। तब भी अगर इसने मुंह नहीं खोला तो सिद्धांत। हाँ हरीश, क्या खबर है? ग्रेट न्यूज सर, बोर्ड को बर्दाश्त करने का मुझे एक रास्ता मिल गया। सिर्फ पंकज के साइड से ही हम कंपनी के 51% शेयर्स के मालिक बन जाओगे। गुड, मैं सोच ही रहा था अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हारा क्या करूँ। खैर पेपर वर्क शुरू करूँ, लेकिन उसके लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर आपके सिग्नेचर लगेंगे। कहाँ हुआ? 1 घंटे में पेंट हाउस पहुंच जाना है। चल
बकबूल।
वो हमारे निशाने पर है। आप बोलो तो मैं इसे यही ठोक देता हूँ। मत मारना हमारे बॉस, छोड़ दे उसे। उसकी गोलियां खत्म हो चुकी हैं, हम उसे घेर कर खड़े हैं। इसे मारने का यही सही मौका है। मेरा बेटा उसके कब्जे में है। चेक नहीं किया, वो तुम्हारे बारे में नहीं जानता था। जब तक मुझे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। प्लीज उसे छोड़ दो। उसने मेरी बहन को मारा है, उसे कैसे छोड़ दो। क्योंकि अनुपमा जिंदा है, मैंने उन्हें उसे मारने से रोक दिया था। मैं कैसे यकीन करूं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुमसे झूठ बोलने का क्या अंजाम होगा। पता क्या, वो मर गया। वो बच निकले। मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूं।
ठीक है, संभाल इसे। Woo!
छोड़कर मैंने गलती कर दी थी। नो मोर मर्सी। मैं अपने